अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ये सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी एकदम फिट है। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो देखे जमान भाई ने स्वीटर को नहला दिया है। अभी टाइम तो वैसे तकरीबन 4:30 का हो गया, इस टाइम नहलाना था चाहिए, सर्दी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन खैर इसने गर्मी रखना है इसको। तो ये जो स्वीटर है ये अब जमान भाई के पास होती है। देखें अब इसको नहला के शैम्पू से नहला के साफ सुथरा। जी आज है जी कज़न की मेहंदी, तो उस पर जाना है तकरीबन 7 बजे वहाँ पहुँचना है। तो अभी तकरीबन 5 बजने वाले हैं, तो जल्दी से जाते हैं। जल्दी से जाके पहले हेयर कट वगैरह और हाथ वगैरह करा के आते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह तमाम मेहंदी का व्लॉग आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देने इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जल्दी से चलता हूँ और हेयर कट करा के आपसे मिलते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी रेडी हो गया है, सान भाई भी, और दोनों बच्चे भी अब फुल रेडी हो गए हैं। और हेयर कट करा के मैं आ गया था, टाइम जो काफ़ी ज़्यादा होगा, जल्दी से निकलते हैं और चलते हैं मेहंदी वाले घर और सारी वीडियो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। प्यारा था लाइटिंग का, इस साइड पे खाने का अरेंजमेंट हो रहा है और इस साइड पे अभी, और हम अंदर चलते हैं। सामने देखें हम लाइट, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है लाइटें, और दरख्तों पर भी लाइटें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और इस साइड पे बारबेक्यू हो रहा है, गार्डन के एक साइड बारबेक्यू हो रहा है, और सामने अब स्टेज लग रहा है जी मेहंदी का, जहाँ पे मेहंदी लगाई जाएगी। और इस साइड पर सामने DJ बैठा हुआ है और बड़े बड़े बूफर लगे हुए हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी वाले घर पहुँच गए हैं। लाइटिंग आप देखें बड़ी ज़बरदस्त है, इस साइड पर सारे कज़न हैं। ये देखें पीछे बज रहे हैं ढोल। अभी फंक्शन जो है स्टार्ट नहीं हुआ, सर्दी की वजह से गर्म कर रहे हैं बंदों को। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे मामू का बेटा इबादत कर रहा है। और ये नाम दसो तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा के अभी तकरीबन 12 बज गए हैं। अभी तक मेहंदी का जो फंक्शन है स्टार्ट नहीं हुआ, तो तकरीबन थोड़ी देर है स्टार्ट होने में। अभी मेरे साथ ये मेरे मामू का बेटा, अभी जा रहे हैं हम जहाँ पे ढोल बजने हैं, वहाँ जहाँ से मेहंदी आनी है वहाँ भी ये मुझे लेके जा रहे हैं।